इस स्कूटी में मॉडिफिकेशन स्टार्ट होने वाली है। सो भाई बोल रहे हैं कि एग्जॉस्ट भी डलवाना है इसमें, तो अभी देखते हैं कि कौन सा एग्जॉस्ट डलवाएंगे इसमें। सो अगर ये पहुंचा देगी हमें कितना है, यहाँ से अब तो दिखता है नीचे से। वन मंथ के बाद स्टार्ट करी यार स्कूटी, फ्यूल एम्प्टी बता रहा है इसमें। इसमें पेट्रोल तो है बट यार ये इंजेक्टर वाली स्कूटी है, तो इसमें 1.5 लीटर तो पेट्रोल एडवांस चाहिए ही हमें। मैंने भी अपने एक्सेस का स्टैंड ऐसे ही तोड़ा हुआ था, फुल स्टैंड, फुल पावर लीन मारने, और यार एक टाइम ऐसा है कि चलते चलते टूट गया यार उसका स्टैंड। ये चेक करो, मेन चीज़ ये करवाई हमने, सो ये रेड करवा दिया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पीछे एंडोर्क लगी हुई है एंड साथ में भाई आ चुके हैं। आज हम लोग एक ही स्कूटी में आए हैं, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एंडोर्क की मॉडिफिकेशन करवाने। टेपिंग का काम है वो करवाएंगे, स्कूटी वगैरह वॉश करके लाए हम लोग। काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट की, वन मंथ बाद स्कूटी स्टार्ट की है। थोड़ी सी दिक्कत हुई स्टार्ट होने में बट फाइनली स्टार्ट होगी। आज मैं अपनी बाइक नहीं लेके आया, भाई ने बोला थोड़ी सी मोटिवेशन का काम है तो भाई के साथ आ गया। आज GoPro में आज बैटरी काफ़ी कम है, रात को लाइट नहीं थी तो रात को चार्ज कर नहीं पाया GoPro को। सुबह यार GoPro को मैं चार्ज करना ही भूल गया, तो अभी भाई ने बोला कि जाना है, तो अभी मैंने GoPro देखा तो डेड थी बैटरी, 50% बैटरी GoPro में। थोड़ी बैटरी बचा के शूट करना पड़ेगा आज का मेरे को। अभी निकलते हैं यहाँ से एंड आपको सीधा सेटअप पे मिलता हूँ। गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से एंड ये चेक करो, ये लगी हुई है एंटोर्क, और अभी हम इसको वॉश वगैरह करके लाए हैं। मॉडिफिकेशन का काम है इसमें, जो इसके ये DRL है इसको देखते हैं भाई रेड या ब्लू करवाते हैं, अभी तक कंफर्म नहीं कौन सा कलर करवाएंगे इसमें। इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये जेड ब्लैक करवाने हैं, ये पहले भी जेड ब्लैक करवाए हुए थे बट यार इसके इंडिकेटर फ्यूज़ हो गया था, फिर इसको निकालो तो यार सारी टेप ख़राब होगी। एंड फ्रंट की साइड से देख ही सकते हो ये भी जेड ब्लैक है, इस साइड से भी। इस स्कूटी में मॉडिफिकेशन स्टार्ट होने वाली है। सो भाई बोल रहे हैं कि एग्जॉस्ट भी डलवाना है इसमें, तो अभी देखते हैं कि कौन सा एग्जॉस्ट डलवाएंगे इसमें। आज हम काफ़ी लेट निकले हैं यार घर से, ऑन रोड थोड़ा बैटरी बचा के शूट करना पड़ेगा। जब भी निकलते हैं फटाफट यहाँ से और आपको थोड़ी आगे मिलते हैं। जब भी एंडोर्क में फ्यूल अप भी करवाना है, पेट्रोल देख लेते कितना है। धर्मशाला में भी एक पेट्रोल पम्प है बट यहाँ का पेट्रोल ठीक नहीं होता। सो अगर ये पहुंचा देगी हमें कितना है, यहाँ से अब तो दिखता है नीचे से। सो पेट्रोल है इसमें कोई 0.5 लीटर से ज़्यादा ही लग रहा है। वन मंथ के बाद स्टार्ट करी यार स्कूटी, फ्यूल वगैरह भी इसमें नहीं था, काफ़ी ख़तरनाक हॉर्न डाला हुआ है यार इस वाले एंटोर्क में भी, तो ये चेक करो। जब भी प्लानिंग चली हुई है, भाई बोल रहे कि इसमें एग्जॉस्ट डालेंगे, अभी डिसाइड नहीं कि कौन सा एग्जॉस्ट डालना है इसमें। जब भी एग्जॉस्ट डलेगा स्कूटी में आप लोगों को व्लॉग देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी निकलते हैं फटाफट यहाँ से। नॉर्मली मैं दिन के टाइम व्लॉग शूट कर लेता हूँ, रात को 6-7 बजे तक अपलोड कर ही देता हूँ, कभी कभी व्लॉग लेट हो जाता है अपना, बट आज का पता नहीं कैसी ही होने वाला है गाइज। अभी 5 तो यहीं पे बज गए हैं, तो कब जैसे एडिट करूँगा कब अपलोड करूँगा कोई पता नहीं है। सो गाइज अभी चलते हैं फटाफट एंड आपको सीधा मैं थोड़ी आगे मिलता हूँ। अभी ऑन रोड में थोड़ा कम ही शूट कर रहा हूँ बिकॉज आप लोग ट्रैफिक देख ही सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हम लोग मतलब जल्दी जल्दी निकलने की सोच रहे हैं। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद GoPro बंद करना पड़ रहा है बिकॉज यार GoPro में बैटरी काफ़ी कम है, ऊपर से यार ट्रैफिक में मेरा शूट करने का मन भी नहीं कर रहा है। अभी हमने काफ़ी ज़्यादा रोड कवर कर दिया है, सो चेक करो यार काफ़ी देर से ट्रैफिक में चले हुए हम लोग। सो बच बच कर निकल रहे हैं ट्रैफिक से बट फिर से देखो यार कहीं ना कहीं पर ब्रेक लगवा ही दे रहे हैं ये लोग। शाम के टाइम वीडियो बनाने का मज़ा भी आता है बट यार फिर प्रॉपर एडिटिंग नहीं हो पाती, तो उस चक्कर में फिर मैं दिन में शूट कर लेता हूँ, बट आज का व्लॉग थोड़ी लेट शूट कर रहे हैं हम लोग। सो अभी का वेदर काफ़ी मस्त है यार,
भी फ्यूल एम्प्टी बता रहा है इसमें। इसमें पेट्रोल तो है बट यार ये इंजेक्टर वाली स्कूटी है तो इसमें 1.5 लीटर तो पेट्रोल एडवांस चाहिए ही हमें। घर से काफ़ी दूर है ये टेपिंग वाली शॉप, बट गाइस क्या कर सकते हैं, जहाँ पे काम अच्छा होगा हम लोग उधर ही जाएंगे। मैं भी अपनी ड्यूक का काम यार यहीं पे करवाता हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है अभी मेरी ड्यूक का टैंक बचता है रैप होने के लिए, सो उसको मैं फुली ब्लैक करवा दूँगा। सो अभी देखते कब जैसे मेरे को टाइम लगता है, आज तो भाई के साथ आ गया, अभी चलते हैं फटाफट। फाइनली गाइस अभी यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग, सो अभी भाई से पूछ लेते हैं एक बार। A few moments later. किसी और का काम कर रहे हैं, दे रही अपनी एंटोर्क, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, तब तक हम लोग थोड़ा और कुछ सोच लेते हैं कि क्या क्या करवाना है स्कूटी में। सो नॉर्मली तो यार इसके इंडिकेटर्स ही हैं एंड फ्रंट की हेडलाइट में करना है यार, भी करवाते हैं इसमें मॉडिफिकेशन, देन थोड़ी देर बाद बताता हूँ फिर आपको। फाइनली गाइस स्कूटी का काम हो चुका है, अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी फ्यूल अप भी करवाने यार स्कूटी में। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, आप लोग मानोगे नहीं जितना, मतलब मैंने ऑन रोड आते वक्त शूट किया था वो सारी वीडियो मैंने एडिट कर ली, अभी आप लोग को मॉडिफिकेशन मैं बाद में बताता हूँ। पीछे के इंडिकेटर में यार टेप नहीं हो पाई बिकॉज यहाँ पे जेड ब्लैक थी नहीं। फ्यूल अप भी हो चुका है स्कूटी में, तो अभी चलते हैं यहाँ से। जितनी देर में स्कूटी का मॉडिफिकेशन का काम हुआ उतनी देर में मैंने GoPro से वीडियो निकाल के एडिट भी कर ली पूरी, थोड़े बहुत यार स्टिकर वगैरह लगाए हुए हैं आगे स्कूटी में, जो जो भाई को अच्छा लगा वो भाई ने अपने हिसाब से करवा ली है स्कूटी में। तो अभी कहीं आगे चल के बताता हूँ यार, आज एंटोर्क चलाने का काफ़ी मज़ा आ रहा है, शॉर्ट राइड वगैरह करनी तो स्कूटी में ज़्यादा थकावट भी नहीं होती है। रेस मोड में काफ़ी अच्छा भागती है स्कूटी, तो मैंने यार टेस्ट भी करा हुआ है, एक है स्कूटी में स्ट्रीट मोड और एक है रेस मोड। स्ट्रीट मोड में भगा के देखी तो थोड़ा सा कम भाग रही थी, रेस मोड में डाला स्कूटी को तो फुल यार स्ट्रीट मोड से ज़्यादा भागती है। पहले मैं सोचता था कि ये स्ट्रीट मोड और रेस मोड ऐसे दे दिए हैं बस कोई फ़र्क नहीं होगा, बट गाइस इसमें फ़र्क है, रेस मोड में ज़्यादा भागती स्कूटी। काफी खतरनाक भागती है यार एंटोर्क भी, यहाँ का रोड भी काफी खराब है, रोड के साइड में काम वगैरह लगा हुआ है तो सारे रोड में यार मिट्टी और रेत वगैरह गिरी हुई है, धीरे ही चल रहे हैं यहाँ पे। एंटोर को लीन करने में काफी मजा आता है, अभी भी नीचे टच होगी, मैंने भी अपने एक्सेस का स्टैंड ऐसे ही तोड़ा हुआ था फुल स्टैंड, फुल पावर लीन मारने और यार एक टाइम ऐसा है कि चलते चलते टूट गया यार उसका स्टैंड। जब भी भाई यहाँ कुछ ले रहे हैं सामान घर के लिए तो यहाँ पे टाइम लगेगा, तो थोड़ी आप लोग को मैं आगे मिलता हूँ। अभी फाइनली गाइज आ चुके हैं इस वाले रोड से, तो यार GoPro में बैटरी काफ़ी कम थी तो पीछे मैंने ऑन किया नहीं, GoPro में बैटरी बहुत ही कम है और ये चेक कर सकते हो आप लोग, एक यहाँ पे ये स्टिकर लगा हुआ है एंड ये करवाया भाई ने, ये चेक करो मेन चीज़ ये करवाई हमने, सो ये रेड करवा दिया, बैक साइड पे नहीं हो पाई टेप, साइड ब्लैक टेप थी नहीं उसके पास तो फिर करवा नहीं पाए। एक किसमें ये हुआ है, एक यहाँ पर लगे इंस्टाग्राम का लोगो भी लगवाया हमने एंड बस इसके DRL रेड करवा दिया है,
सो गाइस बस इतना सा काम हुआ स्कूटी में, अंधेरा भी होने वाला है एंड अभी घर जाके मेरे को जल्दी से व्लॉग भी एडिट करना पड़ेगा, जितना भी अभी क्लिप शूट किया वो सारा एडिट करना पड़ेगा। अभी इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस मिलते हैं अब आप लोग को एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, फुल सपोर्ट।